तो देखिए, अगर बच्चा दिए हुए 13 दिन हुए हैं और कम खा रही है, तो पहले तो आप एक काम कीजिए, उसकी बच्चेदानी के सफाई का प्रबंध करवाइए। क्या मेले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे? आपने इस कमेंट में मेले की चर्चा ही नहीं की है, तो मेले गिरने की दवाई आप पहले दीजिए। मेले गिरने में हम क्या क्या देते हैं, देखिए, गुड़ दिया जाता है 250 ग्राम पर डे। हम शुरुआत में जो जहर गिराने के लिए चीज़ें देते हैं, वही चीज़ें हम 3-4 दिन के लिए, जब वो 10 से 15 दिन की हो जाती है और मेले नहीं गिरते हैं, तब एक बार फिर से दी जाती है। उसमें हम क्या देते हैं, 250 ग्राम गुड़, 50 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम सौंठ, 25 ग्राम हल्दी और 25 ग्राम जीरा। इन सब को आप मिक्सअप करके और पानी में डाल दीजिए, 3 लीटर पानी में। अच्छा, आप इनको उबालिए, जब वो पानी आधा बच जाए तब आप अपनी गाय को, जो गाय है या भैंस है, भैंस है तो भैंस को पिला दीजिए। ये काम आप कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक कीजिए। अगर ये 3 से 4 दिन तक आप काम करते हैं, जितने में मेले गिरने लग जाएंगे और वो खाने पीने लग जाएगी, नंबर वन मैटर। नंबर टू क्या होता है कि जब भी गाय भैंस बच्चा देती है, हम क्या करते हैं, उसे कंसंट्रेट ज़्यादा दे देते हैं, दाना मिश्रण ज़्यादा दे देते हैं, तो कई बार अपच की शिकायतें भी हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए अपच की शिकायत है, तो उसके लिए आप डाइजेशन को प्रॉपर करने का कोई भी पाउडर जो आता है, जैसे बायोवेट वाइसी गोल्ड आता है, हिमालयन 32 आता है, रूचा मैक्स आता है ना, बहुत सारे पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो वो जो पाउडर है उनको ला करके और आप दे सकते हैं और उसका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात, डाइजेशन में जो अवरोधी चीज़ है, आपने जब भी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को गुड़ वगैरह खिलाया तो पेट में कीड़े ज़्यादा पनप जाते हैं। तो आपको अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके बाद आप अपनी भैंस की डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। हालांकि वैसे तो आइडियल जो डिवॉर्मिंग होती है वो 21 दिन पे होती है, लेकिन भाई 15 दिन पे भी आप चाहें तो करवा सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलेगा इन सब चीज़ों का। और जब डिवॉर्मिंग करवाएंगे तो लीवर टॉनिक तो देना ही देना है। इसके अलावा एक विशेष कारण, अगर मान लीजिए इन सभी में से कोई कारण नहीं है, तो एक विशेष कारण होता है नहीं खाने का, और वो होता है कैल्शियम, फास्फोरस और ग्लूकोज की कमी। अब कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी वजह से मिल्क फीवर वगैरह की शिकायतें हो जाती है, फास्फोरस की कमी की वजह से PPS हो जाता है, और ग्लूकोज की कमी की वजह से कीटोसिस नामक बीमारियां हो जाती हैं। तो ग्लूकोज की कमी तो गुड़ पूरा कर देगा, या फिर कई प्रकार के एनर्जी टॉनिक मार्केट में आते हैं, वो लेके आ जाइएगा। और जो दूसरी चीज़ों की कैल्शियम फास्फोरस की कमी है, वो भाई कैल्शियम के लिक्विड्स आते हैं, मिनरल मिक्सचर आते हैं, तो वो दे करके उनकी पूर्ति आप करवा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके बराबर वो खाने पीने लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 1234 OTP लगा लीजिए और उसके फ्री लाइव में जाकर के प्रश्न कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन